ये फेस्टिवल सीजन में कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स ने लाया है अब तक की सबसे बेस्ट डील और ढेर सारे अशॉर्ट फ्री गिफ्ट्स। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स को मुमरा में पिछले 11 सालों से एक ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला है। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एक ही छत के नीचे मिलेंगे, फिर चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, माइक्रोवेव या फिर मोबाइल फोन, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स पर सब मिलेगा। और हाँ, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में फाइनेंस भी अवेलेबल है। 0% डाउन पेमेंट पर आप अपने कोई भी मन चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ले सकते हो। बेहतरीन ऑफर्स एंड फ्री गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ आपको कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही मिलेगा। तो एक बार जरूर स्टोर विजिट करें कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओल्ड नशेमन कॉलोनी, नियर बशीर मेहंदी वाला, मुमरा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा प्रभाग समिति पर कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर बेमुद्दत भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इलीगल बांध काम के खिलाफ। और एनसीपी के भी कार्यकर्ता जो है यहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं, जैसे महेंद्र नाइक हैं, शिवा जगताप हैं, बबलू शेमना हैं, परवीन पवार हैं, और इसके अलावा मोतीराम भगत साहब हैं जो कांग्रेस के ही हैं। तमाम लोग यहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं। क्या आप बताएंगे, जो आज यहाँ पर भूख हड़ताल किया जा रहा है, आप लोग समर्थन देने आए? नहीं, हमारा समर्थन इसीलिए है, जो वसीम सैयद भाई जो बैठे हुए, जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए, जो शाखा को जो ढहाया गया, जो तोड़ी गई, वो शाखा को कब्जा करने के बाद जो आनंद जी के साहब की, बाला साहब ठाकरे साहब की जो शाखा थी, वो शाखा एक मंदिर के ऐसा उसको पूजा था, हिंदू समाज में उसकी आस्था होती है, उसको तोड़ा गया। और ये बहुत गलत काम जो मुमरा में हुआ है, जो सत्ता का दुरुपयोग करके, पावर का इस्तेमाल करके जो शाखा को तोड़ा गया है, इसी के विरोध में वसीम सैयद साहब यहाँ बैठे हुए, उसी को समर्थन देने के हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो विधायक हैं यहाँ के, वो भी अब तक कई ट्वीट कर चुके हैं शाखा को लेकर, जो वहाँ काम हो रहा है उसको लेकर भी ट्वीट कर चुके हैं। बाकायदा मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा उनका ट्वीट है हमारे आमदार साहब का, फिर भी इस प्रशासन उनके ऊपर कुछ जू नहीं रेंग रही है। वो उनकी जो है ट्वीट देख लो, कलेक्टर को, कमिश्नर को, सीपी को, डीसीपी, एसी सबको, थाने महानगर के मुमरा प्रभाग की समिति की एमसी को ट्वीट करने के बाद भी सत्ता का दुरुपयोग करके शाखा का काम जो पहले हो रहा है उससे कई और फास्ट काम करने की किया जा रहा है। जो अनलीगल शाखा बनाई जा रही है, जो अनधिकृत है, अनधिकृत बांधकाम को तोड़ने के लिए प्रशासन जितना तैयार रहता है, जिससे अपनी हलचल को भाज जाता है अनलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ने के, मगर इनके सामने अनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है फिर प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और आज तो आप देख लो कि खुले आम अनलीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ चल रहा है, फिर भी प्रशासन, थाने महानगर पालिका, मैं कमिश्नर साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि उस पर त्वरित उस पर कार्रवाई की जाए और जो अनलीगल कंस्ट्रक्शन जो हो रहा जा रहा है उसको रुकाया जाए। अच्छा, एक ट्वीट और किया है उन्होंने, वहाँ पर कुछ शिवसेना के जो है कुछ झंडे है या जो है गले में पहनने वाला मफलर है जो रहता है, वो वहाँ पर बिखरा हुआ है ज़मीन पर। देखो कितनी शर्म की बात है कि मफलर पे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे साहब का उस पर फोटो है, जिसकी आप बोलते हो उनकी शाखा हिंदू जो निष्ठावन कार्यकर्ता है, वो उदय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को अपने पूछता है, उनके अपने हृदय में समाता है, उनका फोटो ज़मीन पर पड़ा हुआ है, आनंद दीघे साहब का फोटो ज़मीन पर पड़ा है। ये कहाँ का इनका हिंदुत्व है? हिंदुत्व इनका दिखावा का हिंदुत्व है, ये असली शिवसैनिक नहीं है, एक गद्दार शिवसैनिक है। असली शिवसैनिक रहते तो आज बाला साहब ठाकरे साहब का फोटो मिट्टी पे मफलर उनके पड़े हुए थे, मगर उनको कोई उठाने वाला नहीं था। मैं तो इसलिए प्रशासन से, मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो निष्ठावान है और जो सत्ता का दुरुपयोग करके अपने आप को शिवसैनिक कहने की कोशिश कर रहे, इनको झूठा और सच्चा को समझो और ऐसे गद्दारों को उनकी औकात दिखा के आने वाले इलेक्शन उनकी सत्ता जो पब्लिक है, यहाँ की आवाम है, उनको उनकी जगह दिखाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोग यहाँ पर समर्थन देने के लिए जो आए हैं, तो यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि अनधिकृत बांध काम बंद करो, लेकिन आप दोपहर में मैंने वसीम भाई से भी बाइट लिया तो उन्होंने भी शाखे का ही जिक्र किया, और आप भी आए तो आप भी शाखे का ही जिक्र किए, जबकि फ़ोटो सब अलग अलग बिल्डिंगों के लेके बैठे हुए हैं। नहीं, अनधिकृत बांधकाम के हम विरोध में ही है, हम बोलते हैं कि अनधिकृत बांधकाम होना ही नहीं चाहिए। वो अनधिकृत बांधकाम होने से शहर को पानी है, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ की तकलीफ होती है, और इसी के विरोध में वसीम सैयद साहब बैठे हैं, इसी के हम समर्थन पे हम यहाँ बैठे हैं। बंटी भाई, क्या बताएंगे, आप भी आए हैं समर्थन देने के लिए?
हाँ एक अच्छी चीज़ के लिए पहल किए तो उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि अभी अनधिकृत बांधकाम है तो मैं बोलता हूँ, अनधिकृत तरीके से शिवसेना से भागे हुए और अनधिकृत तरीके से अपनी सरकार बनाए हुए अनधिकृत आमदार और अनधिकृत सभासद, इनके अनधिकृत शिवसेना के कार्यकर्ता, इनकी अनधिकृत शिवसेना के कार्यकर्ता, वो उन्होंने अनधिकृत तरीके से शिवसेना की शाखा तोड़े और अभी वो अनधिकृत तरीके से शिवसेना की शाखा बना रहे। तो अनधिकृत लोगों से यही उम्मीद की जा सकती है, हमको इनसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि प्रशासन, संविधान किधर है, प्रशासन के जो अधिकारी है वो किसी नेता के नहीं गुलाम है, वो जनता के लिए बैठे उधर, जनता उनका पगार देती है, जनता के टैक्स से उनको पगार जाता है, तो उनको अनधिकृत बांधकाम के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और ये तो अनधिकृत बांधकाम मतलब ये बिल्डिंगें है, शाखा है, सभी है, अब बिल्डिंगों पे जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे, शिवसेना के जो सीएम है उनकी शाखा अनधिकृत बन सकती है, लोगों के घर नहीं बन सकते, तो इसका जवाब कौन देगा? तो पहले वो इल्लीगल शाखा तोड़ो तो बाकी लोगों के सवाल भी बंद हो जाएंगे और फिर आगे बढ़ो। वसीम भाई, आपको समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं तो लोग। देखिए, मैं इस वक्त यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके मेरे भाई मोतीराम भगत का, नीलेश पाटिल का, आसिफ का, हम लोग सब यहाँ पर मौजूद थे। फिर अचानक एक सरप्राइज़ विज़िट होती है बबलू भाई की, हमारे महेंद्र नाइक साहब की, बंटी के नाम से मशहूर है, थोड़ा हमारा इसके ऊपर हमेशा से एक चर्चा रहा है। हमारे शिवा जगताप साहब डर डर कर आए हुए हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है भूख हड़ताल के हो ना। प्रवीण पवार साहब भी बैठे हुए यहाँ पे। देखिए, ये एक चीज़ जो है इस वक्त जो बात करने की हुई है कि शहर के अंदर हो रही नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जो है वो एक आक्रोश है, और अगर कोई लोग ये समझते हैं कि उनके ख़िलाफ़ कोई बोलने वाला नहीं, अगर वो अपनी महायुति बना सकते हैं तो हम लोग भी यहाँ पे महाविकास आघाड़ी मौजूद है। अभी तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जिस तरीके से लोगों तक बात पहुँचेगी, अभी मेरी बात हुई समाजवादी पार्टी के अब्दुल मन्नान भाई से, वो किसी वजह से गांव गए हुए हैं, लेकिन कल समाजवादी भी इस धरने में ज्वाइंट होने वाली है। इसी तरीके से इंडिया में रहने वाले तमाम गुट जो है वो यहाँ पर आके इस चीज़ का समर्थन करेंगे, और जो भी गैर कानूनी काम सीएम के नाम से हो रहा है, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के नाम से हो रहा है, उसका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा आपका? जब तक के हमारी मांगे, जैसा कि हमने कहा है कि इल्लीगल अगर है तो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के हिसाब से थाना चलेगा, बाबा साहेब अंबेडकर के हिसाब से इस देश को चलाना है, आपका अपना जाति कानून यहाँ पर नहीं चलेगा। अगर सरकारी धड़पशाही ये समझ रही है कि अगर वो अपने आप को यहाँ पर मनवा के रहेगी तो हम भी ज़िद लेकर बैठे हैं, जब तक के बाबा साहेब के संविधान के हिसाब से देश नहीं चलेगा, थाना नहीं चलेगा, तब तक के हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी। तो आपने सुना कि जिस तरह से आज पहला दिन है ये भूख हड़ताल का, और रात के समय यहाँ पर सभी एनसीपी के कार्यकर्ता जो है पहुँचे हुए हैं समर्थन देने के लिए पहुँचे हुए हैं। इन लोगों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं पूरी होगी तब तक ये भूख हड़ताल जारी रहेगा।